पटना में एक बार फिर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। आयकर गोलंबर चौराहे पर सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए बेरोजगारी और कोविड को लेकर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश सरकार की नाकामी और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया गया। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। क्या लिखा है पोस्टर में और इसके पीछे मंशा क्या है, आइए जानते हैं संवाददाता बिरजू से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, नए नए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है घर में रहे, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजर खुद पास में रखें और इन तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन पूरी तरह से करें। लेकिन पटना की सड़कों पर इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहा है, जरा देखिए यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है कोरोना से संबंधित ही। लगातार आपको बता दें कि बंगाल असम सहित 5 राज्यों में चुनाव है और उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी कि वहाँ जो रैलियाँ हो रही हैं, पीएम मोदी का हो, अमित शाह का हो, जेपी नड्डा का हो या ममता बनर्जी की बात कर ले या तमाम राजनीतिक दल जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ जो रैलियाँ हो रही है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है और बिहार में कोरोना है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें बिहार की राजनीति में कही जा रही है। लेकिन उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे पोस्टर लाया गया है जहाँ पे पोस्टर में साफ लिखा है कि कोरोना भगाने के लिए बिहार में भी चुनाव हो। देखिए अब ये पोस्टर भी लगने लगा है पटना की सड़कों पे और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से बिहार और कोरोना संभल नहीं रहा है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन्न स्थिति में आईसीयू में भर्ती है, इसलिए कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी भगाने के लिए भी बिहार में भी तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए और निवेदक साफ तौर पर निवेदक जो है वो बिहार की पीड़ित जनता बताई जा रही है यहाँ पे। और आपको बता दें कि लगातार बिहार में बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लगातार विपक्ष जो है उठा रही है, चुनाव के वक्त भी 10 लाख 20 लाख रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में रोजगार मिला। ये पोस्टर में जिस तरीके से बातें कही गई है कि रोजगार और कोरोना भगाने के लिए बिहार में चुनाव कराया जाए ताकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तमाम जो प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल है वहाँ कोविड वाले जो बेड है वो पूरी तरह से मतलब कि फुल हो गए हैं और सरकार उसकी व्यवस्था कर भी रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, उसको और तीव्र गति उसमें लाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर पटना की सड़कों पे जहां पोस्टर लगाया गया है कि बिहार में कोरोना भगाने के लिए फिर से एक बार चुनाव कराया जाए। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ बिरजू सिंह, नेशनल न्यूज़, पटना।